नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद राजधानी के जल स्रोतों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आज राजधानी के किन जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और क्या कुछ हुआ, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी चुलबुल मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। हाई कोर्ट की फटकार के बाद इसमें जिला प्रशासन और नगर निगम ने संज्ञान लेते हुए अगले 7 दिनों के अंदर 21 तारीख से जो अभियान शुरू हुआ था उसमें 7 दिनों तक उन्होंने शहर के जितने भी जल स्रोत है उनसे अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था, जिसमें आज 23 तारीख को हीनू नदी, धुरवा डैम और कांगे डैम से अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन पिछले दिन 22 तारीख को कांगे डैम से अतिक्रमण हटाने के दौरान वहां पे कुछ लोगों ने विरोध किया था, जिसमें एक औरत की तबीयत बिगड़ गई थी, एक महिला की, जिसके बाद उस अभियान वहां पे कांगे डैम में अतिक्रमण हटाए जाने के कार्य को अभी रोक दिया गया है, जिस पर सीओ ने कहा है कि वो कुछ दिनों के बाद फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं हीनू नदी पे 2 दिन के लगातार अतिक्रमण हटाने के बाद आज उसका 3रा दिन था, जहां पे अब छोटे बिल्डिंगों के छोटे बड़े मकानों के साथ आज कुछ बड़े बिल्डिंग्स और फ्लैट शामिल थे, तो उन जगहों पे लोगों ने अपनी कानूनी दाव पेच लगा करके और कागजात दिखाते हुए आज का तो उन्होंने रोक दिया है, जिसके बाद फिर प्रशासन जब आगे कार्रवाई करने जा रही थी तो वहां पे भारी बारिश ने इस पे बाधा डाला और वहां पे आज एक भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। वहीं धुरवा डैम पे आज जब अतिक्रमण हटाने प्रशासन और निगम की टीम जाने वाली थी, उससे पहले ही लोग वहां पे काफी भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के सड़कों पर बैठ गए थे और उन्होंने हाथों में तख्ते और बैनर के साथ वहां पे विरोध करते हुए देखा गया, जहां पे लिखा हुआ जहां पे वो हाई कोर्ट और सरकार से अपील कर रहे थे कि उन्हें हटाने के लिए कुछ समय का मोहलत दिया जाए। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि जब डैम बन रहा था उनकी कई जमीन डैम के क्षेत्र में थी और उन्होंने खुद अपने उन जमीनों को डैम को दे दिया था बनाने के लिए, और उस दौरान उनसे सरकार ने उन्हें पुनर्वास करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं किया गया है, जिसमें अब जो उनकी बची खुची जमीन है उस पे भी वो सरकार अब उन्हें हटा रही है। तो उनका कहना है कि अब इस मौके पे, इस हाल में, बारिश के समय पे, कोरोना के समय पे वे कहाँ जाएं। तो उनका सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि अभी कोरोना काल भी है, जहां सरकार लोगों को घरों पर रहने के लिए कह रही है, मास्क, भीड़ नहीं लगाने के लिए कह रही है, ऐसे समय पे लोग भीड़ लगा करके उनके घरों को तोड़ने जा रहे हैं और उनके घरों को ही तोड़ा जा रहा है, तो ऐसे समय पे वे कहां जाएंगे। जी बिल्कुल, लगातार प्रशासन और निगम को जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन और निगम फुल एक्शन मोड पर है और विभिन्न जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस खबर पर हम बने रहेंगे अगले दिन भी। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहे लाइव लगातार के साथ। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।